नाजरीन आदा वीडियो भारत में खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत के रहमान खान साहब। सर, आज के हालात किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से गौरव शक्ति के नाम पे मोमेंटिंग बढ़ती जा रही है और बेगुनाह लोगों को जो इस तरीके से जेलों में ढाला जा रहा है, उनको कसूरवार साबित किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? एक टीम भी बनी है IMCR की। देखिए, आज मुल्क में जो हो रहा है तो इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि कानून का व्यवस्था पूरा ख़त्म हो चुका है। हुकूमतें सिर्फ देख रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। समाज में नफरत फैला रहे हैं, हुकूमतें फैला रहे हैं नफरत, जैसा कि फिल्म को जो नफरत फैलाते हैं वैसे फिल्म को हुकूमत की तरफ से कहना कि ये फिल्म को देखिए, और तो इस तरह का कानून, तो कानून का राज नहीं रहा है या अनार कानून कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट फेल हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो है वो भी ख़त्म हो गए। हमारी एक उम्मीद बची है जो जुडिशरी, वहाँ भी बहुत से हमारे इंसाफ नहीं मिल रहा है, फिर वो एक ही रास्ता है हमको इंसाफ हासिल करने का, वरना कंप्लीट आनार्की है। लेकिन अब तो कानून में भी तब्दीली लाने की कोशिश हो रही है, एक सा सिविल कोड लाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए राय भी मंगाई गई, बहुत से लोगों ने उसे इनकार भी किया, लेकिन ये जो सरकार है उसे कभी ना कभी तो ला के ही छोड़ेगी। ये सरकार का मंशा है, ये तो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जिस दिन से ये हुकूमत आई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो UCC की बात करते आए हैं और जाएंगे। अभी तक देखिए ना कोई मसूदा है, ना जो किसी को लोगों को नहीं बता रही यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो इनका एजेंडा है कि अब जैसा ये कानून पास कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं पास कर रहा है, जो शख्स पास कर रहे हैं वो कानून पार्लियामेंट उसको, क्योंकि मेजॉरिटी है, कोई बहस नहीं होती, पार्लियामेंट है बहस के लिए, उसके बाद सबका ओपिनियन लेने के लिए। कानून उस तरह से जिस तरह से हमारी आईन है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कानून बनाने का तरीका लिखा है, उस तरीके को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो कानून ये जो कोई बनाते हैं वो कानून है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी होना है, इसमें चीफ जस्टिस होना है, तो अब उन्होंने बिल पेश कर दी पार्लियामेंट में कि चीफ जस्टिस की ज़रूरत नहीं, एक मिनिस्टर रहेगा। तो इंसाफ की झज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि मेजॉरिटेरियन हुकूमत है ये हिंदुस्तान के आईन के ऊपर नहीं चल रही है हुकूमत, ये मेजॉरिटेरियन की ताकत से चल रही है। सर, गुजरात की बात करें कि जिस तरीके से 2002 के फसादात में बिल्किस बानो का जो मामला चल रहा है, उनके जो मुलजमीन थे उनको भी छोड़ दिया, आज तक वो केस लड़े, इंसाफ नहीं मिल पाया है, इतने सारे लोग उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी अभी वो दलदल भटकती नजर आ रही है। नहीं है, कहीं ना कहीं अब देखिए वो दर-दर भटकते हैं, जिस तरह से जो मुल्ज़िमों को छोड़ दिया गया है, उनके सेंटेंसेस को कम कर दिया गया है, ये कोई भी एक सिविलाइज हुकूमत में ऐसा नहीं। आज हम क्या हुकूमत है, सिविल राइट्स के, सिविल राइट्स ख़त्म हो गए हैं, तो आज वो बेचारी दर बदर फिर रही है अपने इंसाफ के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या उसको इंसाफ देगी या नहीं, देखना जी। खासतौर से बात करें जो मणिपुर का मामला सामने आया है, मणिपुर में मुसलसल तशद्दुद हो रहे हैं, अभी तक चल रहा है, जिस तरीके से इस्मत देरी के मामले, परेड के मामले सामने आए, क्या कहेंगे, किसकी गलती नजर आती है? देखिए, यहाँ हुकूमत की गलती है, हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर आदमी ये एहसास करता है कि हुकूमत मुझे तहफ़ देगी, मुझे इंसाफ देगी, मुझे प्रोटेक्शन देगी। अब हुकूमतें फेल हो गए हैं और मानने तैयार नहीं है, एक्शन लेने तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक्शन लो, नहीं लेने तैयार है, हेट स्पीचेस करा रहे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट करके सो मोटो आप एक्शन लीजिए, वो भी करने तैयार नहीं। तो सरकार है ऐसे मेजॉरिटेरियन के ऊपर मेजॉरिटी, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में ही ये वार्निंग दिया था कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, नॉट मेजॉरिटेरियन सरकार। डेमोक्रेसी में ज़्यादातर मेजॉरिटी हो के मेजॉरिटी सरकार बन जाते हैं, वो सरकार नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सरकार नहीं होती, वो अपने मन में जो आया पड़ते हैं मेजॉरिटेरियन में।
कॉन्स्टिट्यूशन सरकारें जो मेजॉरिटी होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सरकारें हैं। तो आज हमारे मुल्क में मेजॉरिटेरियन नहीं है। अब मणिपुर का सारी दुनिया कंडम कर रही है, अमेरिका कंडम कर रहा है, यूरोप कर रहा है, यूरोप के पार्लियामेंट कर रहे हैं, मतलब नहीं हम सुनेंगे। ठीक है सर, एक वीडियो भी जो वायरल हुआ जिस तरीके से एक टीचर ने बच्चे पे जुल्म, वो बहुत ही कंडमनेबल गैर इंसानियत है। वो टीचर जो कर रही है वो देख के शर्मनाक है। अगर ये हुकाम भी देख रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी देख के खामोश रहेंगे तो उससे ज्यादा शर्मनाक अब हादसा और नहीं। अच्छा आखिरी सवाल सर, ये IMCR आगे क्या करने वाली है? ये इंडियन मुस्लिम फॉर सिविक राइट्स, यानी हमारे राइट्स हैं उसको हासिल करना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जरिए से हासिल करना, ये एक मुहिम है, एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं ताकि हम जहाँ कहाँ भी ये सिविल राइट्स को धक्का पहुँचता है वहाँ जाके सिविलाइज तरीके से हम मांग करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कैरामान खान साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से मौजूदा हालात है और लोगों को अपने सिविल राइट का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी है, इसके लिए आज ही प्रोग्राम में रखा गया था। ETV भारत के लिए अहमदाबाद से रोशना मैम।